दीदी, आपको जितना खाना खाना हो आप उतना ही लिया कीजिए ना। वो क्या है ना, जो खाना आप छोड़ देते हो वो वेस्ट हो जाता है, किसी काम का भी नहीं रहता। इसलिए आपको जितना खाना खाना होया करे उतना आप लिया कीजिए, ज्यादा मत लिया कीजिए। देखिए ना कितना सारा खाना वेस्ट हो गया। सीरियसली नव्या, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अपने काम से मतलब रखा करो, छोटी हो छोटी बन के रहो। दीदी आप तो गुस्सा हो गई, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो आपको बस इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप रोज रोज खाना छोड़ देती हैं और आज तो आपने बहुत सारा खाना छोड़ दिया है। आप खुद सोचिए ना, ये खाना तो गाय को देने लायक भी नहीं बचा है। और आप उनके बारे में सोचिए जो गरीब लोग भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तुम अपने काम से काम रखा करो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया, दोनों की दोनों सुबह सुबह आपस में क्यों बहस कर रही हो? देखिए ना मम्मी जी, अब नव्या मुझे सिखाएगी कि मुझे कैसे खाना खाना है और कैसे नहीं खाना। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में। नव्या क्या है ये सब, और तूने कुछ कहा क्या इशू को? नहीं मम्मी जी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो बस दीदी को ये समझाया है कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है दीदी रोज खाना छोड़ देती हैं प्लेट में, पर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ये मुझसे बड़ी हैं। पर आज तो उन्होंने आधा खाना छोड़ दिया है। आप खुद सोचिए ना, वो खाना तो खराब ही होता है ना, उसे हम कूड़ेदान में डाल देते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है वो। और अन्न का अपमान करना तो बहुत गलत बात है। पर मम्मी जी वो खाना किसी गाय कुत्ते किसी को भी देने लायक बचता ही नहीं है। इससे बढ़िया तो ये होता ना कि हम उस खाने को रख के किसी गरीब को ही खिला दें। आप खुद बताइए मैंने क्या गलत कहा इसमें, और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ईशु, नव्या बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। अरे खाने को इस तरह से वेस्ट कौन करता है तुम्हें पता है? मजदूरों से पूछो, अरे वो दिन भर धूप में गर्मी में मेहनत करते हैं, तब उन्हें दो वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। और तुम पूरा दिन एसी में रहती हो, तो तुम्हें खाने की कीमत का पता नहीं चलेगा। खाने की असली कीमत उन मजदूरों से जाके पूछो, वो बताएंगे तुम्हें कि खाने की कीमत क्या होती है। अरे धूप में गर्मी में किसान कितनी मेहनत करके वो अन्न उगाता है, और तुम लोग उस अन्न का इतना अपमान करते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो कभी किसी ने ये बात सिखाई नहीं होगी। देखो ईशु, नव्या बेशक तुमसे रिश्ते में बहुत छोटी है, पर संस्कारों में वो तुमसे बहुत बड़ी है, समझी तुम? सॉरी मम्मी जी, मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं, मैंने तो हमेशा ही ऐसे खाना वेस्ट किया था। कोई बात नहीं, पर खाने का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही खाना वेस्ट करना चाहिए। सीखो कुछ इससे। सॉरी नव्या, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। नहीं दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने ये सब कुछ बस इसलिए किया ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हमें खाने की कदर करनी चाहिए, क्योंकि लोग तो वो भी है ना जो रात को भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता। आप लोग बताइए मुझे, क्या मैंने सही कहा या गलत?